भाई इसको ट्रैवलर बोलते हैं जो बेला लेके आया है 60 रुपए। अरे ये बड़ा वाला, बड़ा वाला, वो वाला भाई सनसेट कवर किया और पीछे देखिए चंदा। अरे मेरे भूखड़ लोग कंटेंट तो बना दे दो भाई। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से अंदर जाना है। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल, गुड इवनिंग फ्रॉम मुंबई। तो अभी बजने को आए शाम के 6:30। तो आज है ना, आज है 24 जनवरी 2024 और कल 23 जनवरी 2024 को शाम को ठीक 6:30 हम लोग ने डिस्कशन शुरू किया कि भाई कहीं पे निकलते, कुछ प्लान करते। 26 जनवरी के हिसाब से लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए, ऐसे हम लोग ने सिर्फ बात छेड़ी थी। तो जब मैं, अंकुर और अमय कुछ बात छेड़ते हैं ना, तो भाई वो बात नहीं रह जाती है, वो प्लान डन हो जाता है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब आप बस यकीन कीजिए मुझ पे, मैं सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी शाम को 6:00 हम लोग ने प्लान डन कर दिया है कि भाई कल निकलने का है, कल सुबह निकलने का है। और हम लोग ने प्लान भी क्या बनाया है भाई, मुंबई से 800 किलोमीटर हम लोग दूर जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है, वो जगह वगैरह तो सब आपको आगे आगे पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन यार मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज शाम को, कल शाम को बात छेड़ी थी, आज शाम को 6:00 हम लोग ने प्लान डन करते, और वो प्लान डन क्या करते कि कल सुबह निकलना है 800 किलोमीटर दूर कैंपिंग करने के लिए। तो अभी वो कल कैंप साइट पहुँचेंगे या बीच में किधर रुकेंगे 500-600 किलोमीटर कवर करके, और परसों पहुँच जाएंगे। 2-3 दिन का प्लान है, सब कुछ आपको आगे पता चलते जाएगा। अभी पहले तो अपने पास मात्र 2.5-3 घंटे है अपना पैकिंग डन करने के लिए, अपने व्लॉगिंग एक्सेसरी सब चार्ज करने के लिए। तो फटाफट अभी सब वो करते हैं, क्योंकि भाई सुबह है ना, 6:00 तक अपने को निकल। तो भाई सब कुछ चार्जिंग को लगा दिया गया है, अपनी पावर बैंक, 2 पावर बैंक लेके जा रहे हैं क्योंकि कैंप साइट जा रहे हैं, अपने GoPro की बैटरी, लैपटॉप, आई वॉच और एक फ़ोन, सब कुछ चार्जिंग पे लगा दिया गया है। यहाँ पे अपनी GoPro केस, अपना ट्राइपॉड और GoPro स्टिक। तो ये एक्सेसरी चार्जिंग पे लगाना तो फटाफट हो जाता है। अभी सबसे बड़ा काम अपनी पैकिंग। तो मतलब अपने को है ना भाई, अभी डिसाइड हुआ है जाना है, तो अपने को बैग कौन सी लेके जानी है ना, उससे अपने को शुरुआत करनी है और फिर आगे जाके पूरा पैकिंग डन करना है। तो फटाफट शुरू करते हैं। चलो भाई, कौन सी बैग लेके जाने का, अपने कबर की हालत वापस बहुत बुरी। तो अभी है ना, ये ट्रिप पे ना अपने पास सोचने के लिए टाइम नहीं है कि भाई कौन सी बैग लेके जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे पैकिंग करके वो वाले घर पे जाने वाला, वो वाले घर पे से हम लोग कल सुबह शुरू करने वाले। तो जब मेरे पास टाइम नहीं रहता ना सोचने के लिए कि कौन सी बैग लेके जाना है, तभी अपने दिमाग में एक ही बैग आती, वो है अपनी राइनॉक्स की बैग। आजा भाई, आजा बाहर, आजा, तेरी ड्यूटी शुरू। तो भाई राइनॉक्स के बैग में पूरा बोरिया बिस्तर 3-4 दिन के हिसाब से भर देते हैं और अपना पैकिंग सेट करते। अभी तो सोचने की क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि भाई वीडियोस, फोटोज, रील्स बहुत ही खतरनाक बनने वाले हैं। तो यार उसके हिसाब से कपड़े अपने को कैरी करने। अभी बज रहे रात के 10:30 और प्लान में थोड़ा चेंज है। ये प्लान में ना चेंजेस बहुत आने वाले, क्योंकि भाई प्लान ही कल बना है रात को और उसको कंफर्म आज शाम को 6:00 किया है। तो प्लान में ये चेंज है कि अभी मैं वो वाले घर पे जाने वाला था, सोचा था कि वो वाले घर पे जाके रुक जाते, कल सुबह अंकुर आएगा, एक ही जगह से निकल जाएंगे। लेकिन अभी अभी अपने को पता चला है, और अभी अभी एक अपने और एक दोस्त ने कंफर्म किया है कि वो भी अपने साथ आ रहा है। तो अभी हम 3 नहीं 4 जन हैं, क्योंकि उसने फ़ोन किया, बोला क्या है तुम लोग का प्लान, एक्चुअली उसका उसके फैमिली के साथ कुछ प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो रहा है। तो बोला कि भाई मैं देखता हूँ, मेरे को एक 10 मिनट देना, अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग प्लान है, 800 किलोमीटर दूर जाके कैंपिंग करना है तो जगह भी खतरनाक रहेगी, तो मुझे भी आना है। तो भाई ने कन्फर्म किया, अभी वो आ रहा है इधर, और फिर हम लोग साथ में कल 4 जन निकलेंगे। एंड मोमेंट में प्लान बनने के बाद, वो भी ऐसे नहीं है कि एक नाइट के लिए, भाई 3-4 नाइट जा रहे, उसमें भी अगर और लोग जुड़ते जाते हैं ना तो भाई गजब होता है, मज़ा आ जाती है, माहौल बन जाता है। और एक चीज़, ये मेरा ना पहला ट्रैवल प्लान रहेगा जहाँ पे मैं ट्रैवल पे निकलने के एक दिन पहले भाई सैलून नहीं गया हूँ, कुछ नहीं, बाल वाल कुछ ठीक नहीं किए, क्योंकि प्लान ही नहीं था ट्रैवल पे निकलने का। अदरवाइज जब भी ट्रैवल पे निकलता हूँ ना, तो भाई मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाता हूँ, बस अपने बाल वाल सेट करता हूँ और फिर निकलता हूँ। तो आज का कुछ कन्फर्म नहीं था, तो जो है वो ये है। The next day. Good morning. प्यारी सुबह, ठंडी सुबह मुंबई में, मतलब जनवरी में ना भाई गजब की ठंड पकड़ ली है मुंबई में। हम मुंबई वालों के लिए ना ये बहुत बढ़िया ठंड है, मस्त
माहौल एकदम ठंडा ठंडा रहता है सुबह के टाइम पे, एटलीस्ट 10-11 बजे तक। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट निकल लेते भाई। इसको ट्रैवलर बोलते जो बेला लेके आया है। सच्ची बोल, कभी डन किया तूने? कितने बजे? रात को 9:30 को डन करके भाई अपने साथ कैंपिंग करने को आ रहा है। अरे क्या बात है, तो ऑल सेट है। अगर ट्रैवल करना है ना तो भाई कैसे भी, कोई भी, किधर भी, कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं भाई। घूम लो, फटाफट निकल लेते, हम भी घूम लेते। कुछ लाश शर्म सब छोड़ के हाँ, शाम को 6 बजे कल तू डिसाइड करता है कि निकल रहा है और सुबह अभी 6 बजे आ जाता है भाई। प्रसाद खाएंगे, अयोध्या का प्रसाद खाएंगे अपन। तो मम्मी अयोध्या गई थी ना, कल ही आई है। तो प्रसाद जय श्री राम। भाई दिन की शुरुआत राम मंदिर के प्रसाद से हो रही है, तो सफर बहुत प्यारा रहने वाला है। मोर्या मंगल मूर्ति मोर्या, श्री गजानन महाराज की जय। प्यारा सा सनराइज हो गया और अब जाके हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाई निकल गए हम लोग, क्योंकि अब तक ना हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लोग मतलब क्या किधर जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल मुंबई गुजरात हाईवे पे है और हम लोग जा रहे हैं राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है, स्पेसिफिकली वहाँ जा रहे हैं हम लोग कैंपिंग करने के लिए। मतलब भाई गजब कर रहे हैं, 800 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं और राजस्थान में एंट्री करेंगे। आज कोशिश है, आज तो वो कैंप साइट नहीं पहुँचेंगे क्योंकि रात में वो कैंप साइट पहुँच के फिर कुछ मतलब नहीं है। तो आज कोशिश करेंगे कि नाथद्वारा तक जाए यहाँ से, और मुझे 780 किलोमीटर दिखा रहा है नाथद्वारा। अगर अहमदाबाद से जाएंगे तो हम लोग अहमदाबाद से ही जाएंगे, तो 780 किलोमीटर नाथद्वारा है। तो पूरी कोशिश रहेगी नाथद्वारा पहुँचने की। अभी भाई एक सुबह की चाय हो जाए, चाय चाहिए क्योंकि फिर और बिलीव करेंगे। एक सुबह की पहली चाय हो जाएगी ना इस सफर की, तो फिर अपने को एकदम कंफर्म हो जाएगा कि भाई निकल गए राजस्थान की तरफ। अपना फेवरेट स्टेट, अपना प्यारा स्टेट राजस्थान। मजा तो आएगा लेकिन छुप छुप के मिलने। सफर शुरू होते मिल गया अपने को ट्रैफिक मनोर के आगे। तो गूगल मैप दिखा रहा है भाई 20 मिनट का ट्रैफिक है क्योंकि रास्ते का काम चालू है। चाय के लिए हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मेरे को और अंकुर को भाई चाय चाहिए ही, ऐसे हो गया अभी। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ये देखेंगे बॉर्डर क्रॉस करके, महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके फिर रुक जाते हैं यार। ये देखो भाई इधर चल रहा है काम और अब आगे तक देखेंगे ना। ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है भाई, ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है। तो भैया फिलहाल का अपडेट ऐसे है ना कि भाई 45 मिनट होने को आए, वही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं भाई। खतरनाक ट्रैफिक है ये साइड पे, पूरा रास्ते का काम चालू है। गाड़ी है ना मतलब ऐसे 1-2 की स्पीड पे चल रही है, मतलब शुरू होते ही काफी टाइम अपना वेस्ट हो गया, आगे जाके कवर करना पड़ेगा। ब्रेक कम एक्सीलेटर ज्यादा, आगे जाके ब्रेक कम और एक्सीलेटर ज्यादा देना पड़ेगा। तो भाई फाइनली ट्रैफिक ख़त्म और अभी थोड़ा रास्ता मस्त खुले में आ गया है। अभी थोड़ी गाड़ी अपनी भागेगी और चाय अभी भी पेंडिंग है, अभी देखते हैं क्योंकि भाई चाय का टाइम तो अपना भी कवर करना पड़ेगा ना, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो चाय की कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम गया, कम से कम 1 घंटा गया हम लोग का, 1 घंटे से हम लोग वही ट्रैफिक में थे। बाकी अभी सामने नज़ारा बहुत प्यारा है। ट्रैफिक लगा इसके लिए नाश्ता महाराष्ट्र में होगा। यूजुअली जब राइड पे निकलता हूँ ना तो भाई गुजरात तो एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन सोचा फिर महाराष्ट्र में अगर नाश्ता कर रहे तो अहुरा के हालचाल पूछ लेते। काफ़ी टाइम से अहुरा में नाश्ता हुआ नहीं है, तो अहुरा में जा रहे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और फिर फटाफट निकलेंगे भाई। मसाला डोसा हम खाएंगे मसाला डोसा। हाँ भाई तूने क्या मंगाया, कौन सा ब्रेकफास्ट मंगाया? इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब इंग्लिश में वड़ा पाव आएगा, इंग्लिश में वड़ा पाव। अच्छा इंग्लिश में वड़ा पाव आएगा। Cheers. Finally चाय मिल रही है भाई, finally चाय नसीब में।
इस सफर की पहली चाय। कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र को बाय बाय। अभी फिलहाल गुजरात में एंट्री हो गई है। सिर्फ प्रे करेंगे कि अभी आगे ट्रैफिक नहीं मिले बड़ौदा वडोदा में, क्योंकि यार काफी मतलब 6 बजे निकले हैं, टाइम हो रहा है 10:30 और अभी तक सिर्फ 135 किलोमीटर कवर हुए है और अपने को आज कम से कम 700 किलोमीटर और कवर करने हैं। तो भाई भगाना पड़ेगा। कितने का है? 60 रुपए। अरे ये बड़ा वाला, बड़ा वाला वो वाला, वो वाला ये? ये 120 वाला है, 120 वाला है, 100 वाला है, 120 वाला कौन सा? ये कितने का है? 150 रुपये। क्या 150 रुपये? बराबर बोल मेरे को। सर ये तो सबसे बड़ा। अरे नहीं नहीं, उतना बड़ा नहीं चाहिए। ये अपना इंडियन फ्लैग है ना, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए ना, फिर इधर उधर पड़े रहेगा। देश का नहीं करता भाव। देश का भाव करना ही नहीं है भाई अपने। तो कल है ना 26 जनवरी और जहाँ जा रहे है ना वहाँ पे भाई इंडियन फ्लैग के साथ अपने ना बहुत खूबसूरत सी रील बनेगी, कॉपीराइट्स आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत सी रील बनेगी। इसके लिए मैं इंडियन फ्लैग अपने घर पे है लेकिन मैं भूल गया था, इसके लिए लेके रखा है। तो अभी अभी हमने फास्टैग से टोल पे किया है, तो सूचना जनहित में जारी है कि फास्टैग में है ना जिनके जिनके गाड़ियों में फास्टैग लगे हुए हैं उनको KYC करना बहुत कंपलसरी है। तो अपने अपने बैंक में जाइए या ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन KYC कर दीजिए, नहीं तो ये मंथ एंड के बाद 31 जनवरी के बाद अपना फास्टैग है ना फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा। शायद से वो लोग डेट एक्सटेंड कर सकते हैं, फिलहाल का डेट है 31 जनवरी, तो तब तक आप अपना फास्टैग का KYC कर लीजिए। सूचना जनहित में जारी। इंडियन फ्लैग, सल्यूट टू इंडियन फ्लैग, भारत माता की जय। हम अब ये गाड़ी रुका रहे हैं भैया, हम थक गए गाड़ी चला चला के, हमारी ड्यूटी खत्म। चलो भाई, वे पार्किंग में नहीं थी, गियर में थी गड्डी। तो आज के दिन के लगभग 320 किलोमीटर कवर हो गए, सभी जन फिलहाल के लिए सुसु करने में व्यस्त है। सुसु करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक और भाई निकल लेंगे। यार यहाँ तक है ना ट्रैफिक गजब का मिला है, लेकिन चलाने में भी बहुत बढ़िया, मजा नहीं आ रही थी। कंटेंट वाइज भी ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि यार ट्रैफिक में ही चला रहे, आगे जाके होपफुली रास्ता खाली मिलेगा, नज़ारे रहेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। पहले तो गुजरात का खाना एंजॉय करेंगे और फिर आज ही राजस्थान में एंट्री करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, डे वन का सबसे प्यारा कॉन्टेंट, वेलकम टू भरूच ब्रिज। मतलब डे वन पे आप लोगों को पता ही है ये रास्ते से जा रहा है, तो भाई खूबसूरत चीज़ अपना भरूच ब्रिज है, तो भरूच ब्रिज का नज़ारा एंजॉय करते हैं। तो गुजरात में डीजल का रेट है 92.33, अब भाई यहाँ पे टैंक फुल कर देंगे। मुंबई में 94.48, 92.33, तो दो रुपए बचाने के लिए अपन ने इतना सब प्लानिंग किया कि भाई महाराष्ट्र में डीजल नहीं भरेंगे, गुजरात आने के बाद डीजल कसम खा रखा है, कसम खा के रखा अभी तो नहीं, फुल प्लानिंग, फुल प्लान। तो भाई 3300 में आया है 36 लीटर। आज के दिन पहले दिन सिर्फ खाओ, गाड़ी चलाओ, हाईवे पे मजा करो, समझ गए? लंच ब्रेक ले लिया है, कुछ खा लेते हैं भाई। काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में रुके हैं तो काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में काठियावाड़ी खाना एंजॉय करते। तो अभी जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, एक बुरी न्यूज़ है मेरे लिए कि अपना जो अगला ट्रैवल प्लान है ना भाई, उसका फ्लाइट टिकट जाते वक्त का ना अभी मैसेज आया कि कैंसिल हो गया है। तो कहाँ का है वो नहीं बताऊँगा, वो तो ट्रैवल प्लान जब शुरू होगा तभी पता चलेगा, लेकिन वो स्पाइस जेट का टिकट था और भैया सीधा मैसेज आ गया कि कैंसिल हो गया। और अभी मैं रीशेड्यूल करने जा रहा हूँ ना, तो कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिखा रहा है रीशेड्यूल में, अभी शायद से मुझे रिफंड लेना पड़ेगा और फिर दूसरा टिकट बुक करना पड़ेगा। इसके लिए स्पाइस जेट से ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, सेफ नहीं है स्पाइस जेट, कभी भी कैंसिल करें। मुझे भी खुद को डर लग रहा था लेकिन यह थोड़ा सस्ता दिख रहा था तो मैंने कर लिया बुक, अभी जो है वो है। सेव टमाटर, बूंदियों,
कड़ी, खिचड़ी, बाजरे का रोटला और भाई अपना फेवरेट छास। भाई ये सब फ्री में है। हाँ भाई ये सब फ्री में है, इसके लिए तू ले रहा है भर भर के। भाई अचार के ऑप्शन देखिए, अचार के ऑप्शन देखिए कितने। Boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to Vadodara Ahmedabad Expressway. मतलब बाकी सब जो गाड़ियाँ हैं ना उनके लिए ये चीज़ कॉमन है, हम राइडर्स लोग के लिए ना एक अलग एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि जब भी आ रहा हो बाइक पे आ रहा हो तो भाई ओल्ड रोड से जाते हैं अपन, एक्सप्रेसवे यूज़ करने को नहीं मिल रहे, तो आज एक्सप्रेसवे यूज़ करने को मिल रहे हैं क्योंकि हम फोर व्हीलर में, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है रास्ता। और भाई स्पीड लिमिट अपने को संभाल के ही जाना है, जो स्पीड लिमिट अलाउड है उस पर 20% तेरे को मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, चल 80 है तो 100 पे चला, उसके ऊपर वो चला रहा, ठीक है। ये लो भाई एक्सप्रेस वे पे 170-180 रुपया भरो और ट्रैफिक में अटक जाओ। प्रॉब्लम वो साइड के लेन में, और वो साइड की लेन तो अभी भी पूरी चक्का जाम है, अपना तो भाई ट्रैफिक खुल गया है। टाइम अपडेट, बजने को आ रहे शाम के 5:30 और भैया हम पहुंच गए अहमदाबाद में। यहां से और नाथद्वारा है ना 300 किलोमीटर है, जिसके लिए लगभग 4-5 घंटे लगेंगे हम लोग को, तो पहुंचना तो है नाथद्वारा कैसे भी करके, भले 10-11 बज जाए, तो कोशिश पूरी रहेगी कि आज नाथद्वारा पहुंचते, कल नाथद्वारा का दर्शन लेंगे मंदिर में जाके, और फिर निकलेंगे अपने कैंप साइट पे। वो कैंप साइट का नाम आपको कल बता दो, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया जगह है। आज इतना ही कि राजस्थान में एंट्री हो जाएगी आज, और कोशिश पूरी रहेगी नाथद्वारा पहुंच जाएंगे। 2 मिनट के लिए रुके क्योंकि भाई पीछे हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट, और ठंडी के माहौल में ना सनसेट देखने में ना एक अलग ही मजा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके लिए भाई बोला, फटाफट बोल दिया अपने ड्राइवर को, भाई ब्रेक लगना मांगता है, मतलब ब्रेक लगना बनता है। और ये देखिए वहाँ पे हो रहा है प्यारा सा सनसेट, और यहाँ पे है सारी अपनी मसक कलिया। गाड़ी से पता नहीं आप लोगों को बराबर से दिखा पाया कि नहीं चंदा मामा, भाई सनसेट कवर किया और पीछे देखिए चंदा मामा आ गए यार, क्या ही लग रहा है। तो अपने भाई का सुबह का हिसाब बराबर नहीं हुआ था चुकता, तो अभी सुबह का हिसाब चुकता करने जा रहा है शाम को। अरे मेरे भूखड़ लोग, कंटेंट तो बना दे दो, फाफड़ा आया नहीं के टूट पड़ते, फाफड़ा खावानू लाइफ मजानू। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने राजस्थान में आप सबका स्वागत है। भाई लोग, आर यू एक्साइटेड? गम्मा घड़ी, गम्मा घड़ी, गम्मा घड़ी, घड़ी घड़ी, गम्मा घड़ी, घड़ी घड़ी, गम्मा घड़ी। राजस्थान में एंट्री हो गई है यार, कितना किलोमीटर, 650 किलोमीटर एक दिन में आप लोगों ने कवर करके। वैसे बाइक पे तो मैं ये सब कुछ करते ही रहता हूँ, तुम लोग के साथ पहली बार कर रहा हूँ। 650 किलोमीटर कवर करके राजस्थान में एंट्री हो गई है, और तुम लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए वाइन शॉप दिखना शुरू हो गए हैं। तो भाई ऑलमोस्ट नाथद्वारा पहुंचे, नाथद्वारा यहाँ से 25 किलोमीटर है, यहाँ पे होटल है, तो अपने भाई लोग अंदर जा रहे हैं उधर रूम चेक करने के लिए, क्योंकि अभी चारों जन की बॉडी ने बोल दिया है कि भाई बस रुकने का वक्त हो गया है, क्योंकि टोटल किलोमीटर है ना भाई 780 किलोमीटर हो गए हैं, और अभी ना रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो बोले कि रुक जाते हैं रूम देख के। एक रूम में पहले भी गए थे लेकिन यार बहुत महंगा बोल रहा था, हम लोग 4 लड़के लोग हैं, बस सोना है, कल सुबह निकलना है, तो इसके लिए थोड़ा सस्ते वाले रूम देख रहे, तो अभी गए, अगर सेट रहेगा तो यहाँ पे चेक इन कर लें। तो भाई समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से अंदर जाना है, मैं सोच रहा हूँ दरवाजा कहाँ है भाई, दरवाजा कहाँ है भाई, दरवाजा कहाँ है ये भाई, दरवाजा यहाँ पे पूरा खुफिया है भाई, क्या बात है।
तो भाई रूम का व्यू, ये है अपना रूम, बहुत ही बढ़िया, दो दो बेड है, क्या बात है, नजारा है क्या भाई, खिड़की के बाहर नजारा है क्या, ओह क्या नजारा है भाई, क्या नजारा है, हा 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 बढ़िया, तू उस साइड पे जाके खड़े रहना, कल सुबह तेरे को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए प्यारा सा नजारा, सादा सिंपल खाना, राइस दाल, जीरा राइस दाल। तो भाई एक विकेट डाउन है, यहाँ पे अपना हो रहा है डेटा ट्रांसफर, वहाँ पे भी पूरी तैयारी है सोने की, भैया ठंड भी गजब की है, तो अभी मस्त में सो जाते क्योंकि कल जल्दी थोड़ा उठना है, जल्दी जाना है दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल 26 जनवरी है ना, तो सब जगह पे थोड़ी भीड़ रहेगी, और हम लोग को आगे जाना है क्योंकि मेन हम लोग आए हैं कैंपिंग के लिए, तो नाथद्वार का दर्शन करेंगे और कैंपिंग के लिए निकल जाएंगे। तो भाई बढ़िया दिन था, मस्त खा पी के पहुँच गए हैं नाथद्वारा, तो ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, कल से एक्चुअल एडवेंचर शुरू होने वाला है, और जो अपने साथ कुछ लोग हैं ना, वो लोग तो पहली बार अपने लाइफ में कैंपिंग करने वाले, तो काफ़ी बड़ा एडवेंचर रहने है उन लोग के लिए। तो ये व्लॉग यहाँ पे ही खत्म करते हैं, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, विद दिस बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस, बाय बाय। टाइम अपडेट, बजने को आ रहे शाम के 5:30।